बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे। तो आज बना रहे हैं अपने कबूतरों के लिए पानी, इन कबूतरों के लिए जो अभी दाना खा रहे हैं। इनका टाइम क्लास हो गया तो इनको अभी हम पानी रखेंगे। चिकनाव कल दिया था तो आज पानी बना के रखेंगे इंशाल्लाह इनको। तो नईम जो है वो पानी बना रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं वो हम आपके साथ सारी शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना, और जो चैनल में नए आ रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप भाइयों को आसानी से मिलती रहें। तो ये क्या लिया है नईम भाई आपने? सबसे पहली चीज़ काली मिर्ची ली है। कितने एक दाने? 25 से 30 दाने। 25 से 30 दाने। और ये कितने का उतरा खेल पानी है? 80 से ऊपर ही है। 80 से ऊपर ही है। 85 या 90 करीब कबूतर हैं, उन कबूतरों का खेल पानी है। तो इसी महीने में खेलने का है, जो महीना अभी चल रहा है नवंबर दिसंबर का, 12वें महीने में खेला जाएगा ये पानी। तो अभी नईम जो है काली मिर्चों को अच्छी तरीके से घीस रहे हैं। इसका अर्क जो है वो पानी में हमने शामिल करना है अच्छे तरीके से। जैसे देख रहे हैं नईम जिस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से आपने करना है। और ये कबूतरों के साथ जो है एक काली मिर्ची जो है ना चटक देगी कबूतरों को, और हल्का सा थोड़ा जलपन पैदा करेगी इनके अंदर ताकि कबूतर अपना काम अच्छा करे। तो ये काली मिर्ची जो है अभी नहीं अच्छी तरीके से इसको घींच देंगे। जिस तरीके से कर रहे हैं देख रहे हैं आप, भाइयों को नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से आपने भी करना है। काली मिर्ची हो जाती है, उसके बाद अगली चीज़ क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से पूरा ग्रीस बन जाएगा, इस तरीके से पूरी ग्रीस हो जाएगी ये काली मिर्ची। फिर आपने इसको पानी में शामिल कर देना है। तो देख रहे हैं किस तरीके से ग्रीस हो गई है। ये सारी अभी हमने पानी में शामिल कर देंगे। ये देख रहे हैं इस तरीके से आपने पानी में शामिल कर देना है इसको, काली मिर्चों को। बिल्कुल घिस के तैयार हो चुकी है। ये है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी ये कितने घिस है? 50 से 50 घिस आंबा हल्दी के लगाएंगे। 50 से ऊपर भी हो जाए कोई मसला नहीं है। तो अच्छे तरीके से इसको भी आपने घींच देना है, इसका भी पानी में अर्क आना चाहिए अच्छे तरीके से बराबर। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से आंबा हल्दी का अर्क निकलना चाहिए, पानी में आना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं आपको दिख रहा है किस तरीके से अर्क जा रहा है पानी में। उसके बाद अगली चीज़ क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। आंबा हल्दी के घीसे लग चुके हैं। तो ये भेड़ा है, भेड़े के खाली ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, अंदर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे घुमा घुमा के हम घिसते जाएंगे। इसके तकरीबन आपने 50 से 60 घीसे लगाने हैं इसके भेड़े के भी। इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है भेड़ा, ठीक है। तो ये भेड़े के भी अर्क देखिए किस तरीके से शामिल हो रहा है पानी के अंदर। अच्छे से भेड़े का भी अर्क शामिल हो जाएगा पानी के अंदर। पानी का कलर इस तरीके से होता जाएगा, बिल्कुल ब्राउन कलर हो जाएगा, पीला पीला सा आपको दिखेगा हल्का हल्का सा। जब तैयार होएगा पानी बड़ा VIP पानी बनेगा ये कबूतरों के लिए, और जब बना के देंगे कबूतर इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे।
व्यूअर्स देख रहे हैं भेड़े का कलर किस तरीके से शामिल कर दिया, भेड़ा आपने अच्छे तरीके से घीच दिया वीआईपी सब। और अगली चीज़ हम घीच रहे हैं अभी इसके अंदर हार, ये हार के भी तकरीबन आपको कितने किस्से लगाने हैं भाई? 30 है किस्से लगाने हैं हार के भी, 50 से 80 कबूतरों पे 30 है किस्से, ज़्यादा भी लगा सकते हैं कोई मसला नहीं है, थोड़ा कबूतर को झल्ला करती है, हल्का करती है, बरकती में भी कबूतर में अच्छा करती है ये। तो ये हाड़ा भी घीच रहे हैं नईम, तो व्यूअर्स ये है करकरा एक नंबर वीआईपी सा। तो ये पूरा करकरा घीचना है इस पानी में, एक इंच के करीब डंडी है, ये पूरा हम पानी में घीच देंगे करकरा, ये पूरी एक डंडी जो है एक इंच की हमने पूरा घीचना है पानी के अंदर। तो इस तरीके से सारा घीच देते हैं, तो देखिए किस तरीके से इसका हर पानी में आ रहा है। तो ये सारी डंडी पूरी घीच देंगे इस पानी में, तो ये नहीं पूरी डंडी घीचते हैं फिर आपको दिखाते हैं अगली चीज। तो जो बाकी बची है उसको हम इस तरीके से पत्थर पे सिलबट्टे की मदद से उसको पूरा हम तोड़ के पानी में शामिल कर देंगे उसका भी। तो ये देख रहे हैं इसको भी घीच देंगे इस तरीके से सिलबट्टे की मदद से, ताकि पानी में आर्क अच्छे तरीके से इसका आ जाए। तो देख रहे हैं किस तरीके से पूरा आर्क शामिल हो गया, वीआईपी सब पूरी घिस गई, करकरे की डंडी जो एक इंच की थी वो पूरी हमने घिस दी, सारा शामिल हो गया। देखिए करकरा हाँ सोंठ थोड़ा सा घीच दे। तो ये सोंठ है ये भी हम घीच रहे हैं, इसके तकरीबन 20 के करीब घीसे देंगे इसके अंदर सोंठ के भी, 80 कबूतरों पे 20 घीसे ज़्यादा नहीं, 50 पे 10 देखें घीस दिए 20 है घीसे सोंठ के भी। तो माशाल्लाह से वीआईपी सा पानी हमारा बन के तैयार हो चुका है, माशाल्लाह इतना बेहतरीन पानी बन गया कबूतरों के लिए। तो इस तरीके से पानी जब आपका बन जाए तो हम ये अभी परिंदों के आगे रखेंगे, ये पानी कबूतर भी हमारे बंद हो चुके हैं तो ये पानी हम रखते हैं कबूतरों के आगे, इसमें थोड़ा सा पानी कितना मिक्स करना है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो नईम अभी आ रहे हैं पानी लेके कबूतरों के लिए, कबूतर पिंजरे में बंद हुए हैं, ये इन कबूतरों को पानी देना है। तो देखिए पानी अभी मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये कबूतर अभी पानी पियेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने रख देना, और ये कबूतरों के आगे रख दिया हमने पानी, अब कबूतर पानी पिएगा ये। तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर आप भाइयों को मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ। तो ये पानी का रिज़ल्ट भी आप भाइयों को दिखाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।